कि किसी तरह से किसी पर्टिकुलर डेटा को कैसे किसी अलग अलग तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक और हम आपको आज डिस्कस करने जा रहे हैं फिल्ट्रेशन ओके पे, राइट, कि फिल्टर को कैसे फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिल्टर यूज होता है कि किसी बड़े डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करना, ठीक है। अच्छा जैसे कि ये डेटा है और इसमें अलग अलग सिटी का डेटा है, मुझे सिर्फ पटना का डेटा लेना है, देखना है या कॉपी करना है, किसी तरह से पटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पटना है, अलग अलग है, तो अगर हम विदाउट फिल्टर देखें तो दिक्कत हो सकती है, और हम शॉर्ट करके सिक्वेंस नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए। हालांकि शॉर्ट करने से भी इकट्ठा एक जगह आ जाएगा, शॉर्ट करके हम सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। तो उस केस में फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर का जो शॉर्टकट होता है, यहाँ पे देखिए, फिल्टर यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल से आप फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है सर। कंट्रोल शिफ्ट एल से आप जो है ठीक फिल्टर है कर सकते हैं। तो फिल्टर करने के बाद देखिए, यहाँ पे फिल्टर हो गया। अब फिल्टर जो है तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट फिल्टर, दूसरा होता है नंबर फिल्टर, और तीसरा होता है डेट फिल्टर। ये डिपेंड करता है आपके अंदर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मान लीजिए हम टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट फिल्टर, तो एक तरीका है कि आप इसमें से यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को हटा दें, और जो जो सिटी चाहिए उस सिटी को क्लिक कीजिए, वो आपका फिल्टर में आएगा, राइट। आवाज सही नहीं आ रही है अपना। आवाज सही नहीं आ रही है, एक मिनट दीजिए। सुरेश साहब, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। इसमें मैसेज आ रहा है, द ऑर्गेनाइजर एक्सपीरियंस टेक्निकल डिफिकल्टीज अनलेस द री ऑर्गेनाइजर रिजॉइंस द मीटिंग विल एंड 5 मिनट्स। आई डोंट नो। हेलो एक मिनट दीजिए सर, अभी सही करता हूँ। हेलो ओके okay. हेलो, हेलो जी, हमारे आवाज सही सर? वो बाहर हाँ से आ रही है, अभी बाहर आवाज आ रही है। वो सही बाहर है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, इस कारण से नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। आपके आपके इंडिया में बारिश बहुत होती है, यहाँ तो बारिश होती नहीं है। चलिए, यहाँ मानसून स्टार्ट हो गया ना सर, अच्छा बरसात स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अभी अच्छा आपको जो है ना वही अच्छा जुलाई अगस्त मिड तक चलेगा बारिश, उसके बाद फिर बारिश खत्म। अच्छा तो यहाँ पे बिजली, हमारे यहाँ पानी है तो वहां पे तेल है ना सर, इसलिए दिक्कत। हम जमीन खोदते तो पानी निकलती है, आपके यहाँ जमीन खोदते तो आप तेल निकालते। सही कह रहे हो। चले तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, जिस सिटी को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो उस सिटी में यहाँ पे आप जो है डेटा निकल गया, ठीक है। एक तो ठीक तरीका है है कि आप इस पे क्लिक कर, जो मैंने ऊपर ड्रॉप डाउन आता है उस पे क्लिक करके, सर स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको ना? हाँ देख रहा हूं मैं। तो इस स्क्रीन स्लो आ रही है, मैं अपने सेलफोन से कनेक्ट करता हूँ।
हेलो हेलो। जी हेलो। हाँ सर, आप ठीक होगा? मैंने वाईफाई लगा दिया है अपना, दूसरा इंटरनेट। ओके ओके, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा था कि यहाँ ऊपर में आप जो ये जो यहाँ पे फिल्टर का निशान होता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप उस पर जिस जिस सिटी पे क्लिक कर देंगे, चेक करेंगे, उस सिटी का डेटा आपको यहाँ पे आएगा। सही है। ठीक है, अब इसमें चीज होती है, एक तो चलो कि आप कर लोगे, लेकिन किसी कंडीशंस पे करना, जैसे कि उसके लिए आपको टेक्स्ट फिल्टर जाना पड़ेगा, हेलो। कि किसी कंडीशंस पे आपको करना होगा, ओके जैसे इक्वल टू। अब मान लो कि यहाँ पे सिटी लिस्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको खोज की ओर क्लिक करने में दिक्कत होगी, तो टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे, तो टेक्स्ट फिल्टर में यहाँ पे इक्वल किसी पर्टिकुलर सिटी को डाल सकते हो, इज नॉट इक्वल, बिगेन विथ, एंड विथ, कंटेन, ये सारे जो कस्टम फॉर्मेटिंग में जो कंडीशंस आपने डाले थे, वो सारे कंडीशंस यहाँ पे शो कर। ओके ठीक है, तो यहाँ पर यूज ओके इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे कंटेन चाहिए, कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली होना चाहिए, ताकि दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों आ जाए, तो कंटेन पे क्लिक किया और यहाँ पे दे दिया दिल्ली। ओके तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों आ गए। ओके तो यहां से आप कंडीशंस दे सकते हो। तो टेक्स्ट फिल्टर में कंडीशंस डालना, समझ में आ गया आप? ओके कोई डाउट तो नहीं है सर? कोई डॉट नहीं, क्लियर। उसके बाद इसी तरह से यहां पे अपने दो कंडीशंस डालनी हो, तो उसके लिए नीचे कस्टम होता है, कि कस्टम पे जाएंगे ओके आप, तो यहां पर दो कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओके कि मुझे दिल्ली भी चाहिए और मुझे नोएडा भी चाहिए, ओके तो कस्टम फिल्टर पे जाऊंगा, तो यहाँ पे कंटेन भी दिल्ली है और यहाँ पे हमारा नीचे इक्वल टू नोएडा कर देते ओके हैं, दो कंडीशन डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे एंड और दो चीजें, एंड हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गलत होगा, इसमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि कंटेन दिल्ली भी होना चाहिए और नोएडा भी होना चाहिए, पॉसिबल तो नहीं है ना, एक शब्द का दिल्ली होगा या फिर नोएडा होगा, तो यहाँ पे और होगा, और मतलब ये दिल्ली वाली सेल भी आ जाए और नोएडा वाली सेल भी आ जाए, ओके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके इस तरह से मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सही। जो अगला जो आता है हमारा, वो आता है यहाँ पे नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर से किसी फिल्टर में एक चीज और है, कि आप फिल्टर बाय कलर, आप अपने सेल कलर के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे हम येल्लो सेलेक्ट कर लिया, तो ये येल्लो सेल को फिल्टर कर दिया, ओके तो फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय ओके कलर आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर नहीं कर सकते। ओके उसके बाद यहां पे नंबर फिल्टर में बाकी चीजें सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां पे कंडीशंस आते हैं। कंडीशंस में आप इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन एंड टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, एक इसका इस्तेमाल आप कर सकते ओके जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल किया था। अब इसमें कोई कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, तो बताइए, मैं उसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। बता दें एक दफा एग्जांपल। किसमें कौन सा नहीं आ रहा है समझ आपको, बताइए। नहीं मतलब ये कि अब सारे चीज तो मैं नहीं पूछ सकता ना आपको। आपने बताया कि नहीं, कोई चीज आप, बिलो एवरेज। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ये कंडीशंस है,
जैसे इक्वल टू हुआ, तो मैंने एक बताया कि भाई एक 34,000 को फिल्टर कर दो, तो 34,000 फिल्टर कर दे गए, लेकिन 34,000 नहीं है तो नहीं किया, होता था 34,000 फिल्टर कर देता, ओके समझ गए। सही सही और यहाँ पे इसी तरीके से क्लियर करता हूँ ना, इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है नीचे यहाँ पे कि भाई डज नॉट इक्वल टू 34,000 के अलावा जो भी है उसको फिल्टर कर दो, ग्रेटर देन मैंने बोला 50,000 से बड़ा को जितने हैं वो सारे दे दो, तो 50,000 से बड़ा आ गया। उसी तरीके से ठीक अब यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन आप पे ग्रेटर देन इक्वल, तो मैंने ग्रेटर देन 50,000 किया ना सर, तो 50,000 से बड़ा, 50,000 को कंसीडर नहीं किया, सही ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 को भी को कंसीडर करेगा, सेम लेस देन और बिटवीन में बोलता हूँ कि 40,000 20,000 से लेके 40,000 वाले तक आ जाए। अब यहाँ पे 40,000 तक आया, अब देखिए यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यहाँ पे एंड स्टेबल है कि भाई नंबर जो है बड़ा होना चाहिए 20,000 से और छोटा होना चाहिए 40,000 से, दो कंडीशन सेम अप्लाई पे सेम सीट पे अप्लाई हो रहा है, ओके ठीक है। सही टॉप 10 वैल्यू मतलब कि ऊपर से टॉप 10 या टॉप 100 जो भी लिखोगे यहाँ पे, या बॉटम लिखना है तो बॉटम आ जाएगा, ओके ये आपको फिल्टर हो जाएगा, ये हाईएस्ट 10 वैल्यू है हमारा, ओके ठीक है। उधर से अगर मैं बॉटम 10 करना चाहूँ तो इसमें बॉटम 10 कर दूंगा, तो लोवेस्ट 10 सैलरी है या 10 से ज्यादा, ठीक है सर। ओके उधर से अबव एवरेज किस सैलरी, जो एवरेज सैलरी है उससे बड़ा कौन कौन है, और बिलो एवरेज, जो बिलो एवरेज है उससे बड़ा कौन कौन है, और कस्टम में जो आपने दो कंडीशन हो तो इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, नहीं आ रही है, हेलो फिर कस्टम बोला कि हेलो अबव एवरेज यहां से कर सकते हैं, बिलो एवरेज यहां से कर सकते हैं, और कस्टम में जो है दो कंडीशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ठीक है सर। ओके ठीक है तो यहां पे आप जो है कंडीशन आ सकते हैं, तो नंबर फिल्टर समझ में आ गया आपको कि नंबर फिल्टर कैसे लगाएंगे आप। सही है नंबर फिल्टर के बाद आता है हमारा डेट फिल्टर, कि डेट की फिल्ट्रेशन हम कब करेंगे, तो डेट फिल्टर में जैसे डेट फिल्टर आप लगाते हो तो इस तरह से ईयर बाय मंथ बाय ग्रुप हो जाता है, जैसे देखिए 2016 अप्रैल इसको खोलिएगा तो दिन आएगा, ठीक है, ओके ओके यदि एक ही साल का है, अगर 2 साल का होता तो इस तरह से ईयर बाय ग्रुप आता, तो इसको खोलना है अच्छा सिलेक्ट करना है ग्रुप निकालना है, तो इसमें तो यहां से जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप चाहो तो इसकी भी कस्टम कंडीशंस है, जैसे कि ये देखिए किसी पर्टिकुलर डेट में मैं चाहता हूँ किसी डेट से पहले की डेट ओके फिल्टर हो, बिफोर डेट पहले ओके से बात की डेट हो, ठीक है। ओके उसके बाद बिटवीन किसी बीच का हेलो डेट, किसी बीच का डेट का हो, ठीक है, तो ओके इक्वल बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन में आप अपने हिसाब से मैनुअली डेट डाल सकते हैं, जैसे कि बिटवीन में लेता हूं तो मैं यहां से अपना डेट मैनुअली लिख सकता हूं या फिर कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, ओके इस तरीके। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे कि टुमारो कल की डेट, अगर टुमारो सेलेक्ट कर लूंगा तो सिस्टम डेट होगा उससे कल की डेट को की डेट को सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, टुडे एस्टरडे नेक्स्ट वीक दिस वीक लास्ट वीक नेक्स्ट मंथ दिस मंथ लास्ट मंथ नेक्स्ट क्वार्टर दिस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर दिस ईयर लास्ट ईयर,
ठीक है सर, ओके इसका आप यूज कर सकते हो। ये सिस्टम डेट से क्लिक होगा, एक आता है ईयर टू डेट। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो फिल्टर कौन सा होगा, 1/1/2017 से लेके जिस दिन आप फिल्टर करते हो उस दिन, YTD कहा जाता है इसको, ईयर टिल डेट। ठीक है, ओके अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी जब आपके डेटा में 2016 का ही डेटा है, राइट? ओके तो अगर मैं चाहूं कि भाई मुझे मेरे पास मान लीजिए कि 3 सालों का डेटा है, 2014, 2015 और 2016, और मुझे Q1 चाहिए सबका, ओके तो इसके लिए आप यहां देखिए सबसे नीचे आता है ऑल डेट्स इन पीरियड, मैंने Q1 सिलेक्ट कर लिया। ओके तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक तीनों साल का डेटा या 10 साल का या जितने साल का डेटा है, और फिर ईयर कंसर्न नहीं रहेगा, ईयर हट जाएगा, फिर ओके उसको फिल्टर करेगा। फिर Q2, Q3, Q4 ऐसी पर्टिकुलर मंथ जो है मंथ उसका फिल्टर आपको कर देगा। ओके तो डेट फिल्टर समझ आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं ठीक है, तो फिल्टर आपके आपको फिल्टर समझ में आ गया, फिल्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं जी। ओके, अब फिल्टर लगाने के बाद कुछ दिक्कतें होती है उसको जान लीजिए। इसकी मैं फिल्टर लगाता हूं तो डेटा जब हम कॉपी करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बैकन का डेटा रिकॉपी हो जाता है, मान लो फिल्टर में क्या होता है हाइड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूं तो ये हमेशा नहीं लेकिन कुछ सिचुएशन में हो जाता है ये बैकरिंग का डेटा भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक सेकंड मुझे ना सर एक कॉल आ रहा है। हेलो, नमस्कार, हाँ विकी जी 10 मिनट में स्टार्ट करता हूँ सर। हेलो 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 इम्तियाज आलम जी, सॉरी एक कॉल ले लिया था मैंने। ओके तो देखा आपने कॉपी एंड पेस्ट किया। ओके तो ये हो गया हमारा, तो पेस्ट स्पेशल इसको जो है पेस्ट करते समय पीछे का डेटा पेस्ट हो सकता है, तो आप कॉपी करने से पहले एक चीज इस्तेमाल कीजिएगा जिससे आपका पीछे का डेटा नहीं सिर्फ विजुअल डेटा ही आएगा, वो है फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू ए स्पेशल में जाइए और यहां पे आप जो है विजुअल सेल्स ओनली सिलेक्ट कर लीजिए, विजुअल सेल्स ओनली, और फिर ओके कीजिए। तो जो सेल विजुअल है वही आपका सिलेक्ट होगा और कॉपी कीजिएगा तो वही एरिया को कॉपी करेगा। ठीक है सर, ओके तो विजुअल सेल्स ओनली ध्यान रखिएगा इसका। ओके तो मेरे हिसाब से मैंने होम मेनू के सारे टॉपिक खत्म कर दिए। ओके ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आप एक एक करके होम मेनू के सारे टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए, जो टॉपिक आपको मैंने कराया हुआ है, जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उस पर हम आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक फाइल ले रहा हूं जिसमें अभी तक चीजें मैंने पढ़ाई है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, तो एक बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जो क्वेश्चन समझ मतलब की दिक्कत होगा उसको छोड़ दीजिए, फिर हम आपको बता देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके आप उसको एक बार अटेंड करके देखिए। ठीक है, बता दे मुझे किस किसी में क्वेश्चन करेंगे आप देंगे मुझे, क्या होम मेनू से क्वेश्चन, किस किसी के क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का वर्क क्या, देखिए देखिए जैसे कि यहाँ इमेज है जैसा इस पे लिखा हुआ ऐसे हम यहाँ टाइप करना है, बेसिक के सारे। नहीं ये क्या लिखा आपने H2O2 जो जैसा टेक्स्ट,
जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम टेक्स्ट ये इमेज में है, ये आपको यहाँ पे टेक्स्ट में लिखना है। ये इसी तरह लिखना है। हाँ, फिर दूसरा यह है कि अच्छा ये डेट है, इसकी फॉर्मेट इस तरह की करनी है। नहीं, अभी मैं किस तरह करूंगा इसको, जैसे कि 6/12 लिखा हुआ है, 6 दिसंबर 2017। डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करके आपको इस तरह का डेट बनाना है फॉर्मेट, जिसमें पहले डेज आना चाहिए, मंथ का फर्स्ट डेट आना चाहिए, फिर डे आना चाहिए, फिर ईयर आना चाहिए। अच्छा तो इस तरह सारे क्वेश्चंस हैं, आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा आप मुझे ईमेल कर रहे हैं इसको? हाँ, मैं इस पर ईमेल कर देता हूँ। अच्छा, और ये रिकॉर्डिंग, पिछला रिकॉर्डिंग बीच में जो है वो कुछ मिस हो गया था, उसको जरा अपलोड कर दीजिएगा गूगल पे। सारे अपडेटेड है सर, मैंने फ्राइडे को सारे अपलोड कर दिए थे, फ्राइडे और सैटरडे को। अच्छा देख लीजिए, और आज की रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में मैं डाल दूंगा। ठीक है, ओके। ओके।